Assalamualaikum. So let's begin. People can join in when they come. We can quickly go through what we did in the last class. ठीक है और उसके साथ फिर we'll continue forward. So basically what we had in the last class के हमने brakes और clutches का topic start किया था और हम लोग एक type की brake और clutch की geometry को study कर रहे थे. We said कि brakes और clutches are essentially the same thing. पर अक्सर ये होता है कि brake में एक शाफ्ट जो होती है वो स्टेशनरी होती है और क्लच में दोनों शाफ्ट रोटेट कर रही होती है. तो एक हम लोग जो टाइप स्टडी कर रहे थे दैट वाज इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक्स एंड क्लचेस. और इसमें डिफरेंस ये होता है इसकी बेसिकली हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है वो हमारी जो हमारी गाड़ियों की रेयर ब्रेक्स होती है ड्रम ब्रेक्स दैट्स अ टाइप ऑफ इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक. ठीक है तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखी थी. लेट्स वेरी क्विकली गो थ्रू इट एंड कुछ उसमें शॉर्टकमिंग्स थी मेरे ख्याल से जो कि आई नीडेड टू एक्सप्लेन इट बिट मोर वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा. हम कर क्या रहे थे हमने स्टार्ट ये किया कि एसेंशियली हमारे पास होता क्या दिस इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्री दैट वी हैव. आपके पास एक आउटर ड्रम है ठीक है और इस आउटर ड्रम में के साथ व्हाट डू वी हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर हियर. तो आपकी गाड़ी के अंदर एक ब्रेक ब्रेक प्लेट होती है ब्रेक प्लेट के ऊपर शूज लगे हुए होते हैं और कुछ चीजें होती हैं देयर आर स्प्रिंग्स देयर इज अ सिलेंडर व्हिच अप्लाइज द फोर्स एंड थिंग्स लाइक दिस. दिस थिंग गोज इन द मिडल और जब आप एक्चुएटिंग फोर्स अप्लाई करते हैं अपनी गाड़ी का ब्रेक पैडल अप्लाई करके तो दीज शूज आर कनेक्टेड टू द रिम ऑफ दिस ड्रम. ठीक है दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स. हम लोगों ने भी करना क्या है वी नीड टू समहाउ फाइंड आउट के इसको हम किस तरीके से मॉडल कर सकते. ठीक तो सबसे पहली चीज है जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे दिस थिंग दिस शू द ब्रेक शू इज गोइंग टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस हेयर और जिसकी वजह से एक प्रेशर अप्लाई होगा. तो वी नीड टू मॉडल द प्रेशर एंड फ्रॉम द प्रेशर वी कैन समहाउ गेट द फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स से बिकॉज दैट फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू गिव अस द ब्रेकिंग टॉर्क. ठीक है दैट्स द बेसिक आइडिया. तो हम ये कह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने प्रेशर को वी कैन वी नीड टू मॉडल अवर प्रेशर. तो व्हाट वी नीड टू कंसीडर इज कि जो हमारा प्रेशर है वो थीटा के ऊपर डिपेंडेंट हो. और इसकी ये कैसे निकल के आ रहा था दिस इन द लास्ट क्लास आई जस्ट शोड यू दिस रिलेशनशिप आई डिड नॉट डिस्कस हाउ दिस कम्स अप. तो टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज कि ये रिलेशनशिप आ कहाँ से रही. तो बेसिकली हम कह स्लाइड में ये रहे हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ थीटा. ठीक है हर एंगल के ऊपर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है. दिस इज योर ब्रेक शू ये जो ग्रे कलर का नजर आ रहा है ये जिस असेंबली के ऊपर माउंटेड है ये ए के ऊपर पिंड है. जब भी आपकी एक्चुएटिंग फोर्स यानी कि कोई हाइड्रोलिक फोर्स या कोई न्यूमेटिक फोर्स या सिंपल वायर के थ्रू मैकेनिकल फोर्स ब्रेक की अप्लाई होती है तो ये शू आपके रिम के साथ सर्फेस में कॉन्टेक्ट में आता है ड्रम के रिम के साथ. तो आपका जो ड्रम है वो उस पर ड्रॉन नहीं है तो इसमें सिर्फ ब्रेक प्लेट ड्रॉन है ब्रेक प्लेट के ऊपर ड्रम आएगा. ठीक है तो ये चीज ऊपर जाके सर्फेस से कॉन्टेक्ट में आ जाएगी विच विल बी हेयर. तो जो आपका ड्रम होगा वो इसी जगह पे होगा बिल्कुल राइट अबव दिस थिंग. तो दिस ब्रेक शू विल कम इन कॉन्टेक्ट विद दैट एंड कॉज प्रेशर एंड फ्रिक्शन. ठीक है तो प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. फिर वी सेड के कोई ना कोई इस पूरे इस मैकेनिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं कोई मैक्सिमम प्रेशर होगा. तो लेट्स डेसिग्नेट द मैक्सिमम प्रेशर टू बी पी ए एंड एंगल एट विच इट अकर्स एट थीटा ए. द रिलेशनशिप फॉर प्रेशर केम आउट टू बी दिस पी इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट टर्म बिकॉज पी एंड थीटा ए आर बोथ कॉन्स्टेंट टाइम साइन थीटा ए. तो पी इज अ फंक्शन ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ये आया कैसे है ये आया इस तरीके से है कि अगर आप अपने इसको मैं बहुत क्विकली गो थ्रू करूंगा दिस इज नॉट एसेंशियल टू अस बट आई डू वांट यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल्स बिहाइंड गेटिंग दिस. अगर हम अपने ब्रेक शू के ऊपर कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लें तो लेट्स दिस पॉइंट बी डज नॉट मीन टू बी द एंड. ठीक है इट डज नॉट नेसेसरीली इज द एंड इट कैन बी एनी पॉइंट ऑन दिस शू. देन व्हेनेवर दिस एक्चुएटिंग फोर्स इज अप्लाइड दिस पॉइंट दिस शू विल ट्राई टू रोटेट. ये पूरा जो मैकेनिज्म है ना ये ए के ऊपर पिंड है ये पूरी चीज रोटेट करने की कोशिश करेगी और जब ये रोटेट करने की कोशिश करेगी यहाँ पे रिम है तो रोटेट तो नहीं कर पाएगी.
बट ये पूरा ब्रेक शू जो है रबर का बना हुआ है, इसमें रबर होता है, ठीक है। तो इट विल ट्राई टू डिफॉर्म वट एवर मटीरियल यू हैव, तो जो लाइनिंग होती है जो वो कर रही होती है दैट इज एस्बेस्टोस, दिस शू इज गोइंग टू ट्राई एंड डिफॉर्म, द डिफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ एनी ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पिन, बिकॉज पिन के अबाउट ये चीज रोटेट कर रही है ना, तो जब भी ये चीज फोर्स अप्लाई करेगी ना जो पिन के अबाउट रोटेट होने की वजह से जो पूरा आर्म है ये इस पैडिंग के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस दैट इज अवेलेबल है। ऐसे होता है ना जब यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क की वजह से जो फोर्स फील होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो जो डिफॉर्मेशन होगी दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो दिस इज एनी पॉइंट इन द शू, दिस इज द शू डिफॉर्मेशन, जो शू के किसी भी पॉइंट की डिफॉर्मेशन है दैट इज दिस। बट दिस डिफॉर्मेशन हैज टू कॉम्पोनेंट्स, एक इसमें शेयरिंग हो रही होगी और एक इसमें नॉर्मल फोर्स अप्लाई नॉर्मल डिफॉर्मेशन हो रही होगी। तो शेयरिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वी आर कंसर्न विद द प्रेशर। तो प्रेशर निकालने के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फाउंड आउट व्हाट विल बी दी नॉर्मल डिफॉर्मेशन ऑफ द शू, ठीक है, एंड दिस नॉर्मल इज नॉर्मल टू द रिम, ठीक है, रिम के नॉर्मल जो आपकी डिफॉर्मेशन है दैट वी हैव फाउंड आउट। अब दिस द आइडिया इज कि वी कैन रिलेट दिस थिंग टू द प्रेशर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिफॉर्मेशन नॉर्मल हो रही है ये जिस तरह का फंक्शन फॉलो कर रही होगी हमारा प्रेशर भी सेम स्टाइल का फंक्शन फॉलो करेगा, बिकॉज दिस डिफॉर्मेशन नॉर्मल टू द रिम इज एक्चुअली वॉट इज कॉजिंग द प्रेशर। क्योंकि जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी नॉर्मल टू द रिम ऑफ द शू दैट डिफॉर्मेशन, बिकॉज द शू विल देन रेजिस्ट दिस डिफॉर्मेशन, उसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा एंड दिस स्ट्रेस विल बी द फैक्टर विच कॉजेज द प्रेशर ऑन द रिम, ठीक है, इसकी वजह से प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होगा। देर इज वन मोर थिंग विच वी नीड टू डू एंड दैट इज कैलकुलेट वॉट इज एच, तो उसके अंदर एक एच की सिंपल ही जो हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था इससे हमने एच कैलकुलेट कर लिया, वी प्लग एवरीथिंग एंड तो वी गेट अ रिलेशनशिप बेसिकली फॉर द परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लग रहा था वो हमने लगा दिया। तो दिस इज वॉट वी हैव सेड, वी सेड कि प्रेशर इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन, तो जो रिलेशनशिप आपकी परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन फॉलो कर रही है सेम रिलेशनशिप आपका प्रेशर भी फॉलो करेगा, एंड द रिलेशनशिप इज एक्चुअली पी स्मॉल पी इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट कैपिटल पी टाइम्स साइन थीटा। अब ये कॉन्स्टेंट कैपिटल पी हमें पता नहीं है तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन जिससे हम ये कैपिटल पी निकाल सकें, दैट कंडीशन इज थीटा इक्वल्स टू थीटा ए के ऊपर पी इक्वल्स टू पी ए है, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर। तो इफ यू प्लग दिस इन तो यू कैन फाइंड आउट कैपिटल पी पी फ्रॉम हियर एंड प्लग कैपिटल पी बैक इन दिस रिलेशनशिप यू गेट दिस प्रेशर रिलेशनशिप, ठीक है, ये बेसिकली दिस इज हाउ दिस केम अबाउट। ये रैंडम नहीं है, देर आर एजम्पशंस इन्वॉल्वड बट देर इज सम सेंस बिहाइंड इट, द सेंस इज कि आप प्रेशर को रिलेट कर रहे हैं टू द नॉर्मल डिफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेक शू, तो उससे आपके पास प्रेशर की एक रिलेशनशिप आ रही है इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल जो है द वेरिएबल इज ओनली थीटा, सिर्फ थीटा का फंक्शन। देन वी सेड कि देर आर टू पॉसिबिलिटीज, प्रेशर की ये रिलेशनशिप है ना। अब ये एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुड बी दिस थिंग, इफ यू लुक एट दिस शू द प्रेशर वेयर शुड बी द मैक्सिमम प्रेशर इन फॉर दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री। इंट्यूशन क्या कहती है, इंट्यूशन ये कहती है जिधर फोर्स अप्लाई हो रही है उधर ही आपके पास मैक्सिमम प्रेशर भी होना चाहिए, एंड दैट इज ट्रू फॉर दिस केस, इस केस के लिए चीज जो बिकॉज यहाँ पे आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है इस ही रीजन में आपके पास मैक्सिमम प्रेशर आएगा और प्रेशर रिड्यूस हो रहा होगा, ये हमारे पास रिलेशनशिप शो कर रही है कि तो साइनोसॉइडल है, तो हाउ डज दिस रिलेट टू दिस, इसकी रिलेशनशिप ये है कि दिस थीटा इज अ नॉर्मल साइन थीटा, तो थीटा इज थीटा कैन चेंज, ठीक है, थीटा जो है आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड इट कैन इंक्रीज अप टू द एंड, जो भी आपका एंड तक जितना भी आपका बड़ा शू है यू शू डज नॉट नीड टू बी दिस पिक, द शू कैन कम टू दिस पॉइंट एज वेल, तो थीटा जो आपका एंड वाला है जिसको हम थीटा टू कह रहे हैं दिस कैन बी मोर देन 90 डिग्रीज, दिस कैन बी 180 डिग्रीज इफ इट हैज टू, 180 डिग्रीज विल नॉट हेल्प यू बट हो सकता है होने को, ठीक है।
देर आर टू पॉसिबिलिटीज. एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ब्रेक शू छोटा है, तो आपका जो शू जो है वो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री से पहले पहले खत्म हो जाता है. ठीक है, दिस इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आती है 90 के ऊपर. तो अगर आपका ब्रेक शू इतना छोटा है कि आपका जो थीटा टू आ रहा है एंड होने वाला, दिस थीटा टू इज फ्रॉम दिस लाइन पिन के थ्रू जो पास हो रही है उससे लेके शू के एंड तक की जो लाइन, then if this condition is true that your shoe is small, then maximum pressure is occurring at theta 2, yani shoe ke end ke upar aapke paas maximum pressure aa raha hai, and this can be understood from this. Agar theta 90 se kam hai to jab aap final theta ko approach karenge us waqt aap sine wave ki starting wale part mein honge, first half mein honge, abhi aap second half mein enter nahi hue. But agar aapka shoe bada hai, this means आपका थीटा टू जो है वो 90 से ज्यादा है, this means that you are going to pass 90 and your final theta is going to be somewhere here. In this case, your maximum pressure is going to occur at theta A equals to 90 degrees. This you need to remember. जब भी आपके पास प्रेशर जो है आप निकाल रहे होंगे, मैक्सिमम प्रेशर कंसिडर करना होगा, तो आपको शू का साइज देखना पड़ेगा. ठीक है, और शू का साइज अगर 90 डिग्री से इतना छोटा है कि 90 डिग्री से कम आ रहा है थीटा टू, देन पी ए इज गोइंग टू अकर एट द फाइनल थीटा. बट अगर शू बड़ा है, 90 डिग्री से ज्यादा थीटा टू आ रहा है, देन द मैक्सिमम प्रेशर इज गोइंग टू अकर एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, दिस इज समथिंग वी नीड टू नो. उसके बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज दिस ऑफ दिस रिलेशनशिप, जो हमारी ये वाली रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप के अंदर थीटा इक्वल्स टू जीरो पे क्या हो रहा है. थीटा इक्वल्स टू जीरो पे प्रेशर इज जीरो, विच मींस कि जो पिन के साथ वाला मटेरियल है, दिस मटेरियल इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू एनी ब्रेकिंग टॉर्क, बिकॉज आप पिन के साथ वाले एरिया को तो पुश कर ही नहीं सकते बिकॉज दिस एरिया इज पिन्ड. तो दिस रीजन राइट हियर इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट वेरी लेस टू द एक्चुअल प्रेशर. ठीक है, जिसकी वजह से आपका टॉर्क में भी कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगी. तो वट यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इज कि ज्यादा अच्छे डिजाइन ये आएंगे हो कि आप इस एरिया से एक्चुअली दूर अपना ब्रेकिंग मटेरियल जो है, जो ब्रेक पैड है, उसको लगाएं, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक पैड लगाने का आपको कोई फायदा नहीं है, दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ मटीरियल. ठीक है, तो अवे फ्रॉम द पिन इफ वी एड अवर ब्रेक शू, दिस इज गोइंग टू हेल्प अस. अब इस वाले केस में वी कैन सी कि थीटा टू इज एक्चुअली मोर देन 90 डिग्रीज, तो मैक्सिमम प्रेशर इज गोइंग टू अकर हेयर. ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर के अराउंड का जो रीजन है, दैट रीजन एक्चुअली हैज अ ब्रेक शू, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कर्व हेयर. ठीक है, तो इसमें वाले रीजन में हमने ब्रेकिंग अपना वो ब्रेक शू लगाए नहीं है जहां पे एक्चुअली हमारे पास प्रेशर बहुत कम होगा. तो वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड अवर ब्रेक शू इन द लोकेशन जहां पे हमें मैक्सिमम प्रेशर अचीव हो सके. दिस इज एक्चुअली अ गुड डिजाइन. ठीक है, नाउ वी नीड टू डू अ फोर्स एनालिसिस. इसको भी हमने देखा था, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन. तो फोर्स एनालिसिस के वी सेड देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट इज वी नीड टू डिटरमिन व्हाट इज द सेल्फ लॉकिंग कंडीशन फॉर द ब्रेक. और ब्रेक के लिए हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि सेल्फ लॉकिंग इज नॉट अ डिजायरेबल क्वांटिटी. अगर ब्रेक सेल्फ लॉक हो जाती है, इसका मतलब है आपकी ब्रेक ऑटोमेटिकली लगी हुई है, दैट इज नॉट समथिंग वी वॉन्ट. ब्रेक को हमें फोर्स करना चाहिए, और जब हम अपनी फोर्स को रिलीज करें, द ब्रेक शुड रिट्रीट. बट इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, देन दैट इज अ प्रॉब्लम. सेल्फ लॉकिंग कंडीशन चेक करनी है, और चेक करना है कि हाउ मच ब्रेकिंग टॉर्क वी आर गेट. ठीक है, दोनों चीजों के लिए हमें कोई ना कोई रिलेशनशिप निकाल. तो फॉर दैट वी हैव सम एक्चुअल पॉइंट्स वी नीड टू कंसीडर फर्स्ट. जब भी आपके पास आप एक्चुएटिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मैकेनिज्म से करें, चाहे वो मैकेनिकल वायर के थ्रू हो, या हाइड्रोलिक हो, या इलेक्ट्रिक हो, या न्यूमेटिक हो, तो दिस एक्चुएटिंग फोर्स इज अप्लाइड टू दिस शू, और this actuating force actually pushes the shoe onto the rim. ठीक है, ड्रम के जो रिम है उसके ऊपर पुश कर. Even when the car is moving, this internal assembly is in static equilibrium. इसके बाहर एक ड्रम है जो कि व्हील के साथ कनेक्टेड है,
दैट ड्रम इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग. तो ये रोटेशन जो शो हो रही है, ये रोटेशन इस चीज की नहीं है. तो दिस इज वॉट वी कॉल अ ब्रेकिंग प्लेट. दिस इज अ ब्रेक प्लेट. ठीक है, ब्रेक प्लेट के ऊपर आपकी इंटरनल असेंबली होती है, जिसके अंदर आपके कुछ स्प्रिंग्स लगे होते हैं, एक्चुएटिंग मैकेनिज्म पूरा होता है और ब्रेक शू लगा हुआ होता है. एक रोटेशन जो हो रही है वो इसके बाहर एक ड्रम है उसकी हो रही है. ठीक, तो दिस थिंग इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो इसके ऊपर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो हमें सबसे पहले फोर्सेज आइडेंटिफाई करनी है, कौन कौन सी फोर्सेज पे अप्लाई हो रही है. वी हैव, जब भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दिस मीन्स दैट देयर इज अ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस असेंबली बिकॉज ऑफ द ड्रम. ड्रम के साथ इन कॉन्टेक्ट आ रहा है, तो एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रही है. देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज दिस इज अ ब्रेक और अ क्लच, तो वी वॉन्ट फ्रिक्शन, अदरवाइज दिस वॉन्ट वर्क. देयर इज एन एक्चुएटिंग फोर्स और पिन के ऊपर कुछ रिएक्शन फोर्सेस भी. ठीक है, तो अगर हम इस पूरी असेंबली को हम कह रहे हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और उसमें मैं समेशन एम अप्लाई करूं एट एनी गिवन पॉइंट, तो जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं उनका मोमेंट का जो भी सम होगा, दैट सम नीड्स टू बी जीरो. दिस इज सिंपल स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. सेल्फ लॉकिंग कंडीशन मीन्स कि मेरी जो ये वाली स्टेट है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है, this state is going to maintain even when I remove my actuating force. agar main apne system se actuating force ko remove kar dun, then even then the brake shoe is going to stay in static equilibrium. this is not something we want. theek hai, to is condition ko we need to somehow find out ki actuating force remove karne ke baad how do I actually get माई मोमेंट इक्वल टू जीरो. इसमें जो हमारे पास पेन के रिएक्शन के मोमेंट्स हैं वो यूजली हट जाएंगे बिकॉज दिस इज अ स्टैटिक पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट पेंड है, तो दिस हम लोग मोमेंट अपने पेन के ऊपर ले रहे होंगे, तो दिस विल गो अवे, तो विल एंड अप विद ओनली थ्री मोमेंट्स. ठीक है, फ्रिक्शन का, नॉर्मल फोर्स का और एक्चुएटिंग फोर्स का. हमारे पास नॉर्मल फोर्स है. नॉर्मल फोर्स होती क्या है? नॉर्मल फोर्स इज जस्ट प्रेशर टाइम्स द एरिया. क्योंकि प्रेशर थ्रू आउट द सर्फेस चेंज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एक छोटे से एरिया के ऊपर, डी ए के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके वी कैलकुलेटेड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉल एरिया, डी एन निकाल ली. एरिया हमारे पास क्या है? एरिया हमारे पास यहाँ पे जो है, दैट इज आर डी थीटा, जो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कमफेरेंस दे देगा, और जो इसकी विड्थ है, दैट विड्थ इज डी. तो आर डी थीटा इज द सर्कमफेरेंशियल लाइन, s equals to r theta से आइए, और b is the depth in this, which is the width of the brake shoe. ठीक, प्रेशर की जो डेफिनेशन हमने निकाली थी, वो डेफिनेशन इसके अंदर प्लग इन करती, तो हमारे पास dn की एक रिलेशनशिप आ गई. अगर मुझे इस पूरे सर्फेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स चाहिए होगी, तो मैं अपने जो ब्रेक शू के लिमिट्स हैं थीटा वन से लेके थीटा टू तक, उसके ऊपर इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे टोटल नॉर्मल फोर्स मिल जाएगी. सेम थिंग, अगर मैं इसको फ्रिक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा दूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से, तो मुझे डिफरेंशियल फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगी. उसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, तो मुझे टोटल फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगी. तो मोमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस एफ टाइम्स डी एन, दिस इज द डिफरेंशियल फ्रिक्शन फोर्स. इसको मैं थीटा वन से थीटा टू तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ. बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, यानी जो उसका मोमेंट आर्म होता है उससे. फ्रिक्शन फोर्स हमारी कहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स हमारी ये रही. ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस वन. ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वी कैन इवन ट्राई एंड ड्रॉ दिस, तो थोड़ा लाइन के ऊपर ड्रॉ करके देख सकते हैं. नाउ जो हमें मोमेंट पता चला है, द मोमेंट इज एक्चुअली एम एफ इक्वल्स टू दिस एंटायर क्वांटिटी. दिस इज मोमेंट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स. सिमिलरली वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स में भी हमें काम सेम करना पड़ेगा. हमारे पास फोर्स है, ठीक है, दिस इज डी एन. इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द फोर्स लाइन. ए से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्चुअली दिस साइड राइट हेयर, एंड दिस साइड इज ए साइन थीटा. तो डी एन ए साइन थीटा के इंटीग्रेट करके ये फॉर्म आई. ये भी आपके कैलकुलेटर में, या फिर आप इसको इंटरनेट पे, क्योंकि बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन बुक एग्जाम, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट दिस इंटीग्रल इफ यू नो थीटा वन एंड थीटा टू. यू डू नॉट नीड टू सॉल्व दिस बाय हैंड. आपको जो भी थीटा वन थीटा टू मिले, एग्जैक्टली अपने रिजल्ट्स के लिए कैलकुलेट दिस इंटीग्रल डायरेक्टली एंड यूज इट इन योर कैलकुलेशंस. ठीक है,
मोमेंट ऑफ द एक्चुएटिंग फोर्स, एक्चुएटिंग फोर्स के लिए उन्होंने काम बहुत सीधा रखा हुआ है. दे हैव सेट के एक फोर्स है एफ, उसका पिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सी. ठीक है, तो द मोमेंट बिकम्स एफ टाइम्स सी. नाउ इफ दिस एंटायर थिंग इज इन इक्विलिब्रियम देन समेशन एम इक्वल्स टू जीरो. अब इस केस में हमें एक चीज देखने की जरूरत है, क्योंकि सारी फोर्सेस जो है हमारे पास, ऑल द फोर्सेस आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस अ पॉजिटिव मोमेंट. अगर हम एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ रही है, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, जो हमारे पास एक्चुएटिंग फोर्स की वजह से मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मोमेंट लेते हैं उसकी डायरेक्शन ये है, एंड द रोटेशन इज अबाउट दिस पिन, तो पिन के अबाउट आप रोटेशन ले रहे हैं. और जो आपके पास डीएन है उसकी वजह से जो रोटेशन की डायरेक्शन आ रही है, दिस इज ऑपोजिट टू इट. ठीक है, तो इफ दिस थिंग इज नॉट क्लियर प्लीज टेल मी, आई कैन रीड्रॉ दिस प्रॉब्ली थोड़ा सा बेहतर अंदाज से. लेट मी क्लियर दिस. दिस इज योर सेंटर, इसके अबाउट डीएन की जो रोटेशन है दैट इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज फॉर डीएन. ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स की रोटेशन आ रही है दैट इज क्लॉकवाइज. सिमिलरली जो एक्चुएटिंग फोर्स की रोटेशन आ रही है दैट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज. तो हमने एक्चुएटिंग फोर्स को नेगेटिव लिया हुआ है मोमेंट को, फ्रिक्शन फोर्स को मोमेंट को नेगेटिव लिया हुआ है, और जो नॉर्मल फोर्स का मोमेंट है उसको पॉजिटिव लिया. एक्चुएटिंग फोर्स कम्स आउट टू बी, अगर हम इससे सारे एफ सी एक्चुएटिंग फोर्स की जगह प्लग इन करते हैं और सी को दूसरी जगह पे डिवाइड कराते हैं, दिस इज द रिलेशनशिप आई गेट फॉर द एक्चुएटिंग फोर्स. एंड व्हाट इज द कंडीशन दैट एफ कम्स आउट टू बी जीरो, यानी कि दिस थिंग, दिस इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? इक्विलिब्रियम से निकाला है. इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए एफ जीरो करने की क्या कंडीशन है, दैट एम एन बिकम्स इक्वल टू एम एफ. तो इफ दिस थिंग इज ट्रू then your system is in self-locking and we don't want that. तो आपको सिस्टम की डायमेंशन इस तरीके से कंट्रोल करनी होती है कि आपका सिस्टम सेल्फ लॉक नहीं हो, और जो डायमेंशन आपके पास इंपॉर्टेंट होगी दैट डायमेंशन इज गोइंग टू बी दैट पिन लोकेशन ए. पिन लोकेशन ए इज एडजस्टेड एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर अस. हम लोगों को ये चीज पता होगी, वी विल नीड टू चेक दिस कंडीशन whether this is satisfied or not. कि आपका पिन की जो लोकेशन है फ्रॉम द सेंटर, दिस इज गोइंग टू डिटरमिन कि आपका सिस्टम सेल्फ लॉक हो रहा है कि नहीं. ठीक है, बिकॉज दिस ए इज अपीयरिंग डिफरेंटली इन एम एन एंड एम एफ. एम एफ के अंदर ए की डिफरेंट फॉर्म आ रही है, डिफरेंट तरीके से एंटर हो रहा है, और एम एन के अंदर डिफरेंट तरीके से एंटर हो रहा है. ठीक है, तो ए को कंट्रोल करके यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि वेदर दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इक्वल और नॉट. जो विड्थ है आपकी इस पूरी चीज की, ब्रेक शू की और असेंबली की जो विड्थ है बी, दिस बी इज नॉट गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बिकॉज बी दोनों में यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है. तो दिस बी इज यूजलेस टू अस, दिस कुड बी टेकन एज अ यूनिटी. तो आप इसको वन लेप भी ले लेंगे तब भी ये चीज इक्वल हो सकती है. तो डायमेंशन विच एक्चुअली कंट्रोल्स एवरीथिंग इज ए. ठीक है, ए इज इंपॉर्टेंट टू अस. ए हमने इस तरीके से रखना है कि एम एन हमेशा एम एफ से बड़ा आए, बिकॉज आपने एक्चुएटिंग फोर्स अप्लाई करनी है तो एम एन इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन एम एफ. ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती. यू कांट से कि मैं पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये चीज ऊपर की तरफ मूव करेगी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस. एम एन नीड्स टू बी मोर देन एम एफ सो दैट द एक्चुएटिंग फोर्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. ठीक है, और हमें सेल्फ लॉकिंग को अवॉइड भी करना है. सो एक ये चीज हो गई. उसके बाद हमारे पास जो ब्रेकिंग टॉर्क आ रहा है इस पूरी चीज के अंदर, ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है? ब्रेकिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है जो कि ड्रम के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है एंड इट ट्राइज टू स्टॉप द व्हील्स. ठीक है, तो ये जो हमने चीज ड्रॉ की थी, दिस वॉज द ब्रेक प्लेट. ब्रेक प्लेट के ऊपर एक ड्रम है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्कीमेटिक ड्रॉ कर दी ड्रम की. जो हमने यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन ड्रॉ की थी ना, दिस सेंस ऑफ रोटेशन इज एक्चुअली फॉर द ड्रम. ठीक है, सो दिस इज द ड्रम्स रोटेशन, राइट? तो जो भी ड्रम की रोटेशन होगी उसके ऑपोजिट आपकी फ्रिक्शन फोर्स फील हो रही है. द ड्रम इज रोटेटिंग लाइक दिस एंड द फ्रिक्शन फोर्स इट इज एक्सपीरियंसिंग इज ऑपोजिट टू इट्स मूवमेंट. तो इस तरह रोटेट करें, फ्रिक्शन फोर्स इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फील हो रही है. दिस इज द रीजन व्हाई वी टुक
आवर फ्रिक्शन फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, बिकॉज ये रोटेशन जो है आपकी इस प्लेट की रोटेशन नहीं है, आउटसाइड ड्रम की रोटेशन. अगर इस प्लेट के ऊपर ड्रम आउटसाइड रोटेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इस प्लेट के ऊपर जो फ्रिक्शन फील होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फील होगी, बट ड्रम के ऊपर जो फ्रिक्शन फील होगी दैट वुड बी ऑपोजिट टू रोटेशन. ठीक है, अब आपको फ्रिक्शन फोर्स पता है, टॉर्क निकालने के लिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर, तो वी हैव एफ आर डी एन इंटीग्रेटेड ओवर द एंटायर ब्रेक शू, यू गेट द ब्रेकिंग टॉर्क. अगर आपके पास सिस्टम में मल्टीपल ब्रेक शूज होंगे, यानी कि हो सकता है कि आपके इसमें दो ब्रेक शूज लगे हुए हों, तो सबके ब्रेकिंग टॉर्क, यानी सबका अपना थीटा वन थीटा टू होगा, सबके ब्रेकिंग टॉर्क्स कैलकुलेट होंगे और सबके ब्रेकिंग टॉर्क्स ऐड होके दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ कंबाइंड ब्रेकिंग टॉर्क फॉर द एंटायर असेंबली. ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज द रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पिन, एंड दिस इज जस्ट समेशन एफएक्स एंड समेशन एफआई. सिंस समेशन एफएक्स एंड समेशन एफआई आर जीरो, we have four different forces in our system: friction, normal force, actuating force and the reactions. Summation fx se humne rx nikala hua aur summation fy se humne ry nikala hua. Theek hai, this r kahan se raha hai, r equilibrium equation se, but we are not going to get into a derivation because this is basic statics, bahut hi fundamental statics hai. All the angles and everything are already available to us, you can just try and find it out, you will be able to find out, but we need to move on. Rx और Ry are the pin reactions and they are also critical to this. एक चीज इस पूरी चीज पूरे हमारे पास केस में रह गई है, वो ये है कि what happens when my sense of rotation changes. तो अगर मैं अपनी direction of rotation change कर दूंगा, यानी कि instead of rotating like this, ठीक है, मेरा wheel जो है opposite direction में rotate हो रहा है, what is going to change in this entire assembly? There is only going to be one single change in the entire assembly, and that is a friction force. Because friction force जो है वो rotation के ऊपर dependent है. तो अगर sense of rotation change होगी तो friction की direction change हो जाएगी. ठीक है, friction की direction change होने से आपकी जो moment की summation है उस पर फर्क पड़ेगा. पहले हमारे पास friction का moment जो था वो clockwise था, अब friction का moment आपके पास anti clockwise आ रहा है. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे हमने फ्रिक्शन के मूवमेंट को पॉजिटिव ले लिया. विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग, हम एक्चुएटिंग मूवमेंट की जगह पे एफ सी प्लग इन करते हैं और उससे एक्चुएटिंग फोर्स निकाल के देखते हैं, वी गेट एन एक्चुएटिंग फोर्स एम एन प्लस एम एफ डिवाइड बाई सी. नाउ इन दिस केस इज देयर अ कंडीशन जिससे एफ जीरो हो सके, देयर इज नो सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल. तो इस पर्टिकुलर केस में जिसमें हमारे पास राइट साइड पे ब्रेक शू लगा हुआ है और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, हमारे पास कोई सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल है. ठीक है, एक चीज और हो सकती है कि आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल ब्रेक शूज लगे हुए हो सकता है उनमें से कोई एक ब्रेक शू सेल्फ लॉकिंग हो और एक ब्रेक शू सेल्फ लॉकिंग होने के कैपेबल ना हो. ठीक है, बिकॉज अगर कोई शू लेफ्ट साइड पे लगा हुआ होगा उसके लिए कंडीशन चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो वील हैव टू सी, एक एग्जाम्पल आ रही है जिस प्रॉब्लम हम आज शुरू कर लेंगे बट वी वॉन्ट बी एबल टू फिनिश दैट इन टाइम. तो व्हाट वी विल हैव इज बेसिकली कि हमें ये चेक करना पड़ेगा हर शू के लिए कि उस शू पे क्या सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल है कि नहीं. ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रेक शू अगर सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाती है व्हील की, यानी लेट से कि गाड़ी रिवर्स कर रही है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी एक्चुएटिंग फोर्स कम्स आउट टू बी दिस, एंड इन दिस केस देयर इज नो सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल. और क्या चीज चेंज होगी, सिंस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, समेशन एफएक्स और समेशन एफवाई में भी चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से रिएक्शन फोर्सेस भी चेंज हो जाएंगे. देयर इज अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स दैट वी लुक्ड एट, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यू डोंट नीड टू रीडराइव द एंटायर थिंग एवरी सिंगल टाइम, तो यू विल बी एबल टू यूज दिस थिंग डायरेक्टली. तो अगर हमें रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन की रिलेशनशिप हमारे पास गिवन है, एक्चुएटिंग फोर्स निकालनी होगी उसकी रिलेशनशिप भी हमारे पास गिवन है, वी विल जस्ट नीड टू यूज दिस रिलेशनशिप. ठीक है, तो जस्ट रिमेम्बर कि हमने जितना भी काम अभी किया है इसमें जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं, दोस फाइनल रिजल्ट्स आर एक्चुअली व्हाट आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट टू अस. ठीक है, और इन रिजल्ट्स में वी कैन यूज दिस रिजल्ट्स टू एक्चुअली कैलकुलेट व्हाट एवर यू नीड. एक्चुएटिंग फोर्स भी निकाल सकते हैं, कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग भी चेक कर सकते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क भी निकाल सकते हैं.
सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो लेट्स लेट्स क्विकली मूव ऑन. सवाल देखते हैं, लेट्स सी कि हाउ मच वी कैन डू, वी विल बी एबल टू कवर हाफ ऑफ इट. थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं जितना होता है. व्हाट वी हैव इन दिस इज वी हैव अ ब्रेक सिस्टम जिसके अंदर दो ब्रेक शूज. ठीक है, तो हमें एक चीज जो हम इसमें सीखेंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे वो देखेंगे कि हाउ वी कैन एनालाइज दिस टू. इसके लिए हमें जो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीजें सेट करनी पड़ेंगी, एक्सिस सिस्टम कैसे सेट करेंगे, थीटा कैसे मेजर करेंगे, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. उसके बाद हमें निकालना क्या क्या, हमें निकालना है कि इस सिस्टम में एक्चुएटिंग फोर्स कितनी है. दे आर सेइंग कि दीज टू शूज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई हो रही है, और जो हम मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं दैट मैक्सिमम प्रेशर इज 1000 किलो पास्कल. ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि मैक्सिमम प्रेशर किधर होगा. पहली चीज तो ये कि ये दोनों पे सेम नहीं होगा, वी विल टॉक अबाउट दैट. ये ऐसा क्यों है, दोनों पे सेम क्यों नहीं होगा, वी विल लुक एट दिस. बट हमें मैक्सिमम प्रेशर पता है. अगर मैक्सिमम प्रेशर में पता है उसकी बेस पे वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्चुएटिंग फोर्स, मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी इज द ब्रेकिंग टॉर्क, बेसिकली मैक्सिमम ब्रेकिंग टॉर्क और पिन के रिएक्शंस क्या. यस, मैक्सिमम प्रेशर के लिए मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दीज थ्री थिंग्स वी नीड टू फाइंड आउट. दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर उन्होंने गिवन क्या किया है, दे आर सेइंग दैट द ब्रेक सिस्टम शोन इज 300 mm इन डायमीटर, व्हिच मींस आर इज इक्वल्स टू 150 mm. इसका जो रेडियस है आपकी ब्रेक प्लेट का, फोर्स दोनों शूज के ऊपर सेम है, फेस विड्थ भी सेम है, 32 mm की फेस विड्थ उन्होंने बता दी है. ठीक है, फ्रिक्शन दे हैव सेड इज 0.32. प्रेशर लिमिटेशन ऑफ 1000 किलो पास्कल, दैट द मैक्सिमम प्रेशर इज 1000 किलो पास्कल. और हमारे पास थीटा वन इज जीरो. थीटा स्टार्ट होता है, हमने बताया था हम एक्स एक्सिस हमेशा ड्रॉ करते हैं सेंटर से लेके पिन के थ्रू पास होने वाली लाइन से. तो दिस इज माय एक्स एक्सिस फॉर दिस शू. ठीक है, तो थीटा वन इज इक्वल्स टू एक्चुअली द पॉइंट जहां पे आपका शू स्टार्ट हो रहा है. शू इज दिस ग्रे पार्ट हियर, पिन को नहीं देखते, जहां से शू स्टार्ट हो रहा था उसको देखते हैं. तो आपका शू इस केस में पिन के बिल्कुल साथ से स्टार्ट हो रहा है, तो थीटा वन इज एक्चुअली जीरो डिग्री. जीरो डिग्री से आपका ब्रेक शू स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस ब्रेक शू इज एक्चुअली गोइंग अप टू दिस एंगल राइट हेयर विच इज 126 डिग्री. यहां से लेके जो आपका एक्सिस बन रहा है जिससे हम एंगल मेजर कर रहे हैं, उससे ब्रेक शू खत्म कहां पे हो रहा है, 126 डिग्री के ऊपर. तो आपका थीटा टू इज 126 डिग्री. ठीक हो गया, तो दिस इज नोन टू अस नाउ. अब और क्या हो सकता है, लेट्स सी. हमारे पास बेसिकली दो डिफरेंट शूज हैं, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम दो दफा रिपीट कर दी. दोनों के ऊपर में दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड की रिलेशनशिप को शो करने की कोशिश कर. सबसे पहला काम यह कि आपने एक्सिस सिस्टम बना दो. एक्सिस सिस्टम हमेशा इस तरीके से बनते हैं कि आपके सेंटर से एक लाइन बनाते हैं आप पेन के थ्रू, दैट दिस बिकम्स योर एक्स एक्सिस. ठीक है, तो फॉर बोथ द शूज यू हैव डिफरेंट एक्स एक्सिस. और जो y एक्सिस होगा दिस विल बी अरेंज इन सच ए वे कि आपका ब्रेक शू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाएगा. ठीक है, अब ये दोनों एक्सिस सिस्टम क्या की कन्वेंशन चेंज हो गई. दिस इज अ राइट हैंड एक्सिस सिस्टम बिकॉज x से y की तरफ कर्ल करते हुए आप अपने राइट हैंड से x से y की तरफ कर्ल करेंगे तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दिस इज अ राइट हैंड एक्सिस सिस्टम. दिस इज अ लेफ्ट हैंड एक्सिस सिस्टम, बट दैट डज नॉट मैटर. हमने रिलेशनशिप जो ड्राइव की है they will be valid for this shoe. अगर आप इनको इस तरीके से draw करें कि आप x axis को pin के थ्रू पास कराएं और y axis को shoe की direction में बनाएं. ठीक है, तो shoe की direction में हमने y axis बना दिया और x axis को pin के थ्रू बना दिया. तो these are our two axis systems for the two shoes. उसके बाद हमारे पास friction को भी हमें देखना है. हमारे friction की क्या direction, friction की हमारे पास normal force की direction है. normal force pressure create होगा दोनों shoes के ऊपर. फ्रिक्शन की जो सेंस बनेगी दैट विल बी, क्योंकि हम ड्रम के ऊपर नहीं देख रहे, ड्रम के ऊपर फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द रोटेशन, बट ब्रेक शू के ऊपर फ्रिक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऊपर हमने दोनों की फ्रिक्शन शो कर दी, तो फ्रिक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. ठीक है, अब हमें यह पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर सेट करें एक्चुएटिंग फोर्स सेम फॉर बोथ द शूज, लेफ्ट और राइट शूज के ऊपर एक्चुएटिंग फोर्स है. तो लेफ्ट शू के ऊपर एक्चुएटिंग फोर्स इज एक्चुअली वी आर टेकिंग इट टू बी पॉजिटिव, और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है
कि दिस इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक द केस जिसमें हम डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं. उसकी वजह क्या, उसकी वजह यह है कि इस केस में इफ यू लुक हमारा जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, द फ्रिक्शन फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट अबाउट दिस थिंग इन द क्लॉकवाइज सेंस. ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस कह लें या फिर हम इसको राइट हैंड रूल में, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्लॉकवाइज सेंस कह रहे हैं, तो इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं. द सेम थिंग इफ यू लुक हियर, दिस थिंग इज स्टिल ट्राइंग टू रोटेट इट क्लॉकवाइज, बट हमारा एक्सिस सिस्टम की ओरिएंटेशन चेंज हो गई. तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट है, दिस इज एक्चुअली द सेम सेंस कि अगर मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ. ठीक है, दिस इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प बिकॉज हमने यहाँ पे एक्सिस सिस्टम चेंज कर दिए. आपके फ्रिक्शन फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन अबाउट द पिन इज सेम. ठीक है, दोनों पॉइंट, बट आपके एक्सिस सिस्टम की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है. एक राइट हैंड एक्सिस सिस्टम है, एक लेफ्ट हैंड एक्सिस सिस्टम. तो राइट हैंड एक्सिस सिस्टम में क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव है. ठीक है, लेफ्ट हैंड एक्सिस सिस्टम में क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव है. ठीक, तो इस केस में डीएन का जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज था, इट वॉज पॉजिटिव. एफ डी एन वॉज नेगेटिव. इस केस में डीएन का मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, एफ डी एन का मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, बोथ ऑफ दीज आर पॉजिटिव. तो ये वो वाला केस बन के आ रहा है जिसमें आपका नॉर्मल फोर्स का मोमेंट भी पॉजिटिव है और फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट भी पॉजिटिव है. तो ये वाला केस है जिसमें नो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन हमने स्टडी की. ठीक है, तो नो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन वाला केस हमने देख लिया यहाँ पे. दिस इज फॉर द लेफ्ट शू. राइट शू इज स्टैंडर्ड. राइट शू में वाला केस है जिसमें सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल होती है. नॉर्मल फोर्स का मोमेंट जो है वो पॉजिटिव है और फ्रिक्शन का मोमेंट नेगेटिव है. ठीक है, तो हमारे पास अब ये दोनों हमारे पास केसेस है. ये रिलेशनशिप्स इनकी हमारे पास आगे वाली छोड़ दीजिए, अब इन दोनों को देखिए, मोमेंट वाली टर्म्स को देखिए. ये मोमेंट की इक्वेशंस हमने दोनों की लिख दी, फ्रिक्शन की और नॉर्मल फोर्स की. क्या हमारे पास लेफ्ट और राइट शू के ऊपर इन रिलेशनशिप्स में कोई फर्क पड़ेगा? इस रिलेशनशिप में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आपके पास लेफ्ट शू है कि राइट शू है. अगर आपने अपना एक्सिस सिस्टम ठीक बनाया है तो दीज रिलेशनशिप्स आर वैलिड फॉर बोथ ऑफ यू. और क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है, सब कुछ सेम है, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी सेम है, आपकी विड्थ भी सेम है, आपका रेडियस भी सेम है, आपके एंगल्स भी सेम है. ठीक है, दोनों के 126 डिग्रीज है थीटा 2, तो आपके इंटीग्रल्स दोनों केसेस में सेम रहेंगे. ठीक है, जो इंटीग्रल्स हैं वो दोनों केसेस में सेम रहेंगे. ठीक है, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट फॉर दिस मैक्सिमम प्रेशर. और मैक्सिमम प्रेशर भी मैंने खुद यहाँ पे लिखा है लेफ्ट और राइट, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ. उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स सेम है और एक में, और मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटीग्रल सेम रहेंगे, इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता बिकॉज आर इज सेम, ए इज सेम, थीटा की लिमिट सेम है, तो दीज टू इंटीग्रल्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आर गोइंग टू बी द सेम. जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ द मोमेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स, इंटीग्रल ऑफ द मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, दे आर सेम इन बोथ द केसेस. एक में आप इन दोनों को ऐड करा रहे हैं और एक में आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दोनों से आपके पास जो फोर्स का रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है. इसका मतलब है कि जिस प्रेशर से आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, दैट प्रेशर नीड्स टू बी डिफरेंट. सही है, अब क्वेश्चन हियर कम्स कि अगर फोर्स दोनों की सेम है और दीज क्वांटिटीज आर डिफरेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि ये समिशन हो रहा है और ये सब्ट्रैक्शन हो रही है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द सेम एफ, सेम एक्चुएटिंग फोर्स. इसका सिंपल तरीका ये हो सकता है कि यू कैन अज्यूम सम नंबर्स एंड विजुअलाइज दिस थिंग. सो लेट्स अज्यूम दिस टू बी 3, दिस टू बी 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 1, दिस कम्स आउट टू बी 4, दिस कम्स आउट टू बी 2, लेट्स से दिस इज 10, देन this pressure comes out to be 10 upon 4 and this pressure comes out to be 10 upon 2. kyunki ye negative basically yahan pe friction ka moment aa raha hai jiski wajah se aap subtraction karke is puri term ko chhota kar rahe hain, to aapko pressure ki value actually badhani padegi in order to get the same force. so the answer to the question here is that the right hand side
प्रेशर, द प्रेशर ऑन द साइड जिसमें सेल्फ लॉकिंग हो रही है, रिमेंबर दिस केस, वाली साइड जिसमें सेल्फ लॉकिंग हो रही है उस साइड के ऊपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा इन ऑर्डर टू गेट द सेम एक्चुएटिंग फोर्स. ठीक है, तो अगर अरेंजमेंट ऐसी होती कि पिन ऊपर मूव हो जाती, ठीक है, और एक्चुएटिंग फोर्स नीचे लग रही होती, तब हम एक्सिस सिस्टम को उसके हिसाब से डेवलप करते एंड वी वुड हैव फाउंड आउट कि लेफ्ट हैंड साइड इज सेल्फ लॉकिंग और लेफ्ट हैंड साइड पे मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है. मैक्सिमम प्रेशर लेफ्ट और राइट साइड से नहीं आ रहा, मैक्सिमम प्रेशर में पता चल रहा है कौन सी साइड सेल्फ लॉकिंग है और कौन सी साइड सेल्फ लॉकिंग नहीं है. तो जो साइड सेल्फ लॉकिंग है उसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर आपके सिस्टम में डेवलप होगा. ठीक है, तो राइट साइड पे मैक्सिमम प्रेशर है एंड दैट मैक्सिमम प्रेशर वी आर गोइंग टू टेक एज 1000 किलोपास्कल्स. ठीक है, एंड फ्रॉम देयर वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट अवर रिजल्ट. हमारा पहला पार्ट यह था, पार्ट ए वॉज कि वी नीडेड टू कैलकुलेट वॉट इज द एक्चुएटिंग फोर्स. एक्चुएटिंग फोर्स वॉज द मोमेंट ड्यू टू एन माइनस द मोमेंट ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई सी. ठीक है, डायमेंशन हमें पता है, डायमेंशन हमें पता थी, तो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट वट इज एम एन एंड वट इज एम एफ. ये हमें फॉर्मूला गिवन होंगे, फॉर्मूले आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू सॉल्व द इंटीग्रल्स बाय हैंड. आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा, एग्जाम में लग द इंटीग्रल्स डायरेक्टली इन एन इंटीग्रल सॉल्वर, यू आर गोइंग टू गेट दिस एंटायर फॉर्मूला डायरेक्टली. तो जो काम मैंने यहाँ पे बाय हैंड करके दिखाया हुआ है कि इंटीग्रल की क्या वैल्यू निकल रही है, यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट वट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, यू कैन गेट दिस रिलेशनशिप डायरेक्टली. आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट टू दिस बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल एंड यूज है. तो इंटीग्रल के बाहर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज यू राइट कि मैंने कंप्यूटर पे सॉल्व कर लिया या कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया. ठीक है, तो जस्ट फाइंड दीज रिसोर्सेज अपने कैलकुलेटर में जो प्रैक्टिस कर लें, इंटीग्रल कैसे निकालना है, या फिर इंटरनेट पे कुछ इंटीग्रल सॉल्वर्स ढूंढ लें जहाँ पे आपको पता हो कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल किस तरीके से डालेंगे आपका रिजल्ट निकलेगा, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे आपको ढूंढना नहीं. ठीक है, तो आपने बेसिकली एम एफ के फॉर्मूले से एम एफ कैलकुलेट किया हुआ है. हमने सारी वैल्यूज प्लग इन की, हमने आर प्लग इन किया, हमने फ्रिक्शन, हमने बी प्लग इन किया, हमने मैक्सिमम प्रेशर प्लग इन कर दिया, हमने फ्रिक्शन कोफिशिएंट प्लग इन कर दिया एंड वी जस्ट सॉल्व द इंटीग्रल. तो एम एफ आ गया, सेम तरीके से एम एन भी आ जाएगा और बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट वी जस्ट रोट हमें अपना एक्चुएटिंग फोर्स हम निकाल सकते हैं विच कम्स आउट टू बी 2.28 किलोन्यूटन. ठीक, तो दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू दिस न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट क्लास. और उसके बाद बेसिकली वी आर गोइंग टू लुक एट अ डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्री फॉर ब्रेक्स एंड क्लचेस. ठीक है.